जी, आवाज आए। आपका सवाल की बहुत अहमियत है। मैं इसी इन किस्म की फॉल्ट लाइन्स की तरफ इशारा देता रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि इस वक्त दुनिया भर में जो रियासतें हैं और हर जगह जो एक जिम्मेदार हुकूमत होता, जहाँ जिम्मेदार की आदत है, वो नेशनल क्राइसिस के मौके पे कंसेंसस और यूनिटी इसलिए पैदा करने की कोशिश करते हैं कि हर ममालिक में फॉल्ट लाइन्स हैं, हर ममालिक में इश्यूज हैं जो बहुत देर से चल रहे हैं, नाइंसाफियां हैं, मुश्किलात हैं अवाम के लिए, गरीब के लिए, अकलियतों के लिए। लेकिन क्राइसिस के दौरान जब मुल्क की क्यादत एक हो जाता है, जब आप एक कौम बन के इन क्राइसिस का मुकाबला करते हो, तो वो जो आपके फॉल्ट लाइंस हैं आप सब जो है थोड़ा सा वो फोकस पूरा का पूरा नेशन का उस बीमारी का और आपके अवाम के सेहत और जिंदगी बचाने में टाइम गुजारा जाता है। यहां पीटीआई हुकूमत जो है वो उनको बहुत दे शुड बी वेरी ग्रेटफुल कि दे हैव एन ऑपोजिशन इन पाकिस्तान। इसलिए जहां फॉल्ट लाइन्स जितने पाकिस्तान में हैं वो अमेरिका से तो काफी ज्यादा है। लेकिन जब से ये वबा पहुंचा है, मैंने पहला स्टेप ले लिया था, मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासी जो एक्टिविटीज है खत्म कर दी। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का बरसी पोस्टपोन कर दिया। हमारा जो जलसा होता है गरी खुदा पक्ष में, हमारा सियासी एक्टिविटी शुरू हो रहा था पंजाब में, पोस्टपोन कर दिया। ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हर सियासी जमात में जो पार्लियामान में है और पार्लियामान के बाहर है, उन्होंने ये ऐलान कर दिया हमने सियासत नहीं की। जब मैं इंटरव्यूज के दौरान, प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के दौरान वजीर आजम के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ सियासी बयान, सियासी सवाल किए जाते थे, मैं साइड स्टेप करता था, इसलिए कि मैं जानता हूं कि पाकिस्तान में जो चैलेंजेस हैं, चाहे वो हमारे हर सूबा में बलूचिस्तान से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक हमारे पास चैलेंजेस हैं और हमें सब मिलकर इसका मुकाबला करना चाहिए था। लेकिन उसके जवाब में हमें क्या मिला? उसका जवाब में वजीर आजम ने सियासत की, उसका जवाब में उनके अपने स्पोक्स पर्सन ने मेरा हुकूमत के वजीर आला से लेके वजीरों तक जो अपने जान को खतरा में डाल रहे थे उनको तकीद को निशाना बनाया, उन डॉक्टर्स को, उन नर्सेस को जो आपका सेहत और जिंदगी बचाने के लिए अपने जान को खतरा डालते हैं, उन पे भी पीटीआई की तरफ से सियासी बयानबाजी हुआ। वजीर आजम का जो पहला ट्रिप होता है इस सूबा में इस वबा के बाद, वो आके लड़काना में होता है, गैर सियासी ट्रिप, मगर फिर भी एक पार्टिसन पॉलिटिक्स उछालने की कोशिश। इस वक्त पाकिस्तान में आप इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हो। अगर एनएफसी अवार्ड पे, अगर 18th अमेंडमेंट पे, अगर जमहूरियत पे,
अगर टारगेट किलिंग्स पे, अगर मिसिंग पर्संस पे इस वक्त इस मुल्क के अवाम बाहर निकलते हैं, अगर उनका मुआशी सूरत हाल पे, इन्फ्लेशन पे, जिस तरीके से उनका पैसा दूसरे जगह जा रहे हैं इस वक्त, दूसरा जगह खर्च हो रहे हैं मगर उनका सेहत और जिंदगी को तहफ्फुज़ दिलवाने में खर्च नहीं हो रहा, उनको अपना उनको सोशल जो बेसिक इकोनॉमिक राइट्स है उसको दिलवाने में नहीं खर्च हो रहा, अगर इन चीजों पे हम बाहर निकलते हैं इस वक्त तो कोई नहीं संभाल सकेगा। जो भी हुकूमत में इस वक्त होता उनको बड़ा सोच समझ के कौमी सियासत करके यूनिटी के साथ आगे चलना चाहिए, वरना अमेरिका में जहां एक उनका अक्लियत के ताल्लुक से ताल्लुक रखने वाले पुलिस के हाथों कत्ल हुआ, पूरा मुल्क एहतजाज कर रहा है। यहां इस किस्म की चीजें होते रहते हैं, हमारे बहुत से फॉल्ट लाइंस है, बहुत से इश्यूज है, और हम आज भी समझते हैं कि पीटीआई की हुकूमत को अपनी रवैया को तब्दील करना चाहिए और इस इन चैलेंजेस को सीरियसनेस को समझना चाहिए और इस सीरियसनेस के साथ इन चैलेंजेस को संभालने की कोशिश भी करनी चाहिए।